हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और जाहिर सी बात है, अभी जन्माष्टमी है, कल जन्माष्टमी है, तो आज जाहिर सी बात है हर कोई झूला खरीद के लाते होंगे मार्केट से या कहीं से। लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ का मार्केट तो बंद है 16 तक, तो मुझे कहीं मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोगों ने सोचा कि चलो घर पे क्यों ना इसे बना लिया जाए। कोशिश करने में क्या जाता है, हो सकता है या तो बहुत ही अच्छा बनेगा नहीं तो बहुत ही बुरा बनेगा, दो में से कुछ तो होना ही है। तो ये सोच करके हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं कि झूला बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है, सबको पसंद आया। तो हम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की और जो भी घर में छोटा मोटा सामान था बस उसी से हम लोगों ने बनाया है, कुछ भी खरीद करके नहीं लाए मंगवाए हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने मिलके ये झूला कैसे बनाया है। और इस पर देखिए लड्डू गोपाल जी बैठ करके झूल रहे हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो पसंद तो हर किसी को आया होगा, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। तो इस झूला को हम लोगों ने बनाया कैसे है, तो चलिए पहले बताती हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसे बनाया है। मेहनत तो काफ़ी लगी है, बहुत सारा टाइम भी लगा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और बनाने का मन भी था, तो सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने शुरुआत तो कर दी। और जब शुरुआत कर दी तो फिर वो हो गया। एक कहते हैं ना, किसी चीज़ का जब जुनून हो ना तो वो चीज़ हो ही जाता है और ना चाहते हुए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू कि हम लोगों ने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले एक कार्डबोर्ड हम लोगों ने नीचे बेस बनाने के लिए ढूंढा, तो उस कार्डबोर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे था, तो उसको बराबर से काट करके और उसको इक्वल किया, एक साइज़ का किया। ये जो पत्ती है, ब्लेड है, ये हम लोगों के पास था, तो इससे काट करके हम लोगों ने इसको इक्वल किया। मैं नहीं काट रही हूँ, ये काट रहे हैं, काटने का कट जाएगा ना, सारा काम होता है वो इन्होंने किया, बाकी थोड़ा बहुत काम मैंने किया, हम दोनों ने मिलकर बनाया है। तो टेबल पर हम लोगों ने कभी ये सब काम किया नहीं था, तो हम लोगों को लग रहा था बहुत ज़्यादा मेहनत है। और जब वो कट गया उसके बाद उसके साइज़ का हम लोगों ने, उससे थोड़ा सा बड़ा हम लोगों ने एक कपड़ा लिया, भगवान का कपड़ा मिलता है ना दुकानों में, तो वो कपड़ा था पास में पड़ा हुआ, तो उस कपड़े को लेकर के हम लोगों ने उसके साइज़ का काटा। और इसको ग्लू गन की हेल्प से, घर में ग्लू गन भी था, तो ग्लू गन की हेल्प से इस कपड़े को कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाना था। तो आज से पहले मैंने इस ग्लू गन का यूज़ कभी किया नहीं था, जब से आया था 2 साल हो गए इसे ख़रीदे हुए, और जब से आया था ये पड़ा हुआ था, कभी यूज़ नहीं होता था, तो आज फाइनली इसका पूरा यूज हुआ। और देखिए कार्डबोर्ड कितना ज़्यादा ख़राब लग रहा था, साफ़ करने के बाद भी ऐसा दिख रहा था, तो इस पर चिपकाना ज़रूरी था। तो ये चमकता हुआ जो कपड़ा आपको दिख रहा है, ये कपड़ा मैंने इसके ऊपर चिपकाया बेस बनाने के लिए। और दूसरा कपड़ा जो मैंने लिया वो प्लेन साटन का कपड़ा लिया, तो इसको अच्छी तरीके से ग्लू गन की हेल्प से चिपकाना है। और कपड़ा चिपकने के बाद ये कुछ इस तरीके का इतना सा प्यारा सा दिखने लगा। और इसके ऊपर भी कुछ डेकोरेट करना है, तो वो मैं बाद में देखूंगी कि क्या करना है। पहले 4 डंडे मैंने एक साइज़ के लिए हैं और एक अलग साइज़ के लिए हैं, ऐसे मुझे मिले ही थे, तो 4 मैंने कोशिश करके एक जैसा ढूंढा। उस 4ों को कवर करना है रेड कपड़े से, तो प्लेन रेड कपड़ा मैंने लिया है, साटन का कपड़ा है ये, तो इसको डंडे के साइज़ के हिसाब से मैंने लंबा लंबा काट लिया और उतना कपड़ा लिया है कि डंडा 4ों साइड से भी कवर हो जाए। तो उस तरीके से हम लोगों ने कपड़ा काट लिया है और इसको डंडे के ऊपर चिपकाना है इस कपड़े को, रेड कपड़े को, तो वो भी हम लोग ग्लू गन की हेल्प से करेंगे, क्योंकि फेविकॉल से चिपक नहीं रहा था, उखड़ जा रहा था बार बार, तो ग्लू गन बेस्ट है, बहुत अच्छे से चिपकता है और एक बार जब चिपक जाता है तो वो फिर उखड़ता नहीं है।
तो इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से हम लोग चारों डंडों को चिपका लेंगे, पांच डंडों को सॉरी पांचों को चिपका लेंगे एक एक करके, और उसके ऊपर हम लोग लेस लगाएंगे। पतला वाला लेस भी मेरे पास पूरा बंडल घर पे पड़ा हुआ है, तो वो लेस हम लोग डंडे के ऊपर लपेटेंगे। और इस तरीके से देखिए मेरे सारे डंडे भी तैयार हो गए, और बोर्ड पर मैंने चारों साइड से वही लेस लगा दी, क्योंकि ज़्यादा था तो वही लेस लगा दिया, तो और भी उसकी खूबसूरती बढ़ गई। अब इसे करना क्या है, जिस शेप में इसको रखना है डंडे को, उस शेप में मुझे इसमें ठोकनी है कांटी। तो ये क्रॉस करके इसी तरीके से मैंने मेज़र कर लिया है पहले कि उसे किस तरीके से वहाँ एडजस्ट करना है, तो उस तरीके से मैंने इसके ऊपर इनसे कांटी ठुकवाई। तो कांटी ठुकने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब ये बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है और टूट भी नहीं सकता है, मजबूत हो गया ना ये। तो चलिए अब ये दोनों चीज़ें हो गई, अब क्या करना है, इसके ऊपर रख करके जो चार नीचे पावे बन गए ना, उस चारों में कील मारनी है, कील ठोकनी है, तो ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ग्लू गन तो लगाऊंगी ही, बट कांटी ठोकूंगी तो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो अब करना क्या है, चारों पावे में कांटी ठोकनी है। ये काम हम लोग पहले नहीं कर सकते थे, अगर पहले कांटी ठोक देते तो फिर उस पर कपड़ा लपेटने में दिक्कत होती और लेस लगाने में दिक्कत होती, तो इसलिए ये काम अभी ही करना होगा। तो चलिए कांटी ठुक चुकी है और झूला उस तरीके का बन चुका है। अब बारी आ जाती है सिंहासन बनाने की, तो उसके लिए हम लोगों ने लिया है कार्डबोर्ड कूट, जो होता है ना जिसमें पार्सल वगैरह आते हैं, तो वो वाला कूट लिया है। उस पर थोड़ा सा सिंहासन जैसा शेप दे करके हम लोगों ने लंबा सा कट कर लिया, और उसके ऊपर भी हम लोग चिपका रहे हैं साटन का प्लेन कपड़ा ग्लू गन की हेल्प से। तो अच्छी तरीके से उसको कवर कर रहे हैं, और पेपर लगाने से, मम्मी ने पहले बोला था पेपर लगाने, बट पेपर लगाने से वो मजबूती नहीं आती है जो कपड़े लगाने से आती है। तो कपड़े लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, और उसके बाद हम लोगों ने इसे टेढ़ा करके दोनों साइड से लेस डाल दिया, तो ये चेयर जैसा शेप ले लिया इसने, क्रॉस करके लगाया तो ये चेयर जैसा शेप ले लिया। और उसके ऊपर से हम लोग लगा रहे हैं इसमें थोड़ा सा मोती वगैरह मेरे पास ही था, थोड़ा बहुत माला, ये एक माला का टूट गया था वो था, तो वो सारी चीज़ें थी घर में पड़ी हुई, तो उसको हम लोग लगा रहे हैं ताकि ये बिल्कुल सिंहासन जैसा लुक आ जाए, बिल्कुल हैवी सा लुक आ जाए, लगे कि हाँ सिंहासन है। तो उस तरीके से हम लोगों ने इसे डेकोरेट कर दिया है। अब थोड़ा सा खालीपन लग रहा है, तो सोच रही हूँ क्या करूँ, तो आइडिया आया कि चलो लेस को बैठने वाला जो पोर्शन है उसके चारों साइड हम लोग लेस लगा देते हैं, क्योंकि बीच में बैठना है, बीच का पोर्शन दिखता नहीं है, तो चारों साइड का दिखता है, तो चारों साइड हम लोग लेस काट करके लगा देते हैं। तो वो लेस मैंने कट कर लिया है, इसको भी ग्लू गन की हेल्प से चारों साइड लगा देना है। तो अब उसके बाद हम लोगों को मिल गया थोड़ा सा सितारा, बड़ा वाला जो होता है गोल वाला वो मिल गया, तो उसे सोचा कि सिंहासन के पीछे वाले पे लगा देते हैं, वो दिखता रहे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा भी लगेगा, और गोल्डन कलर ही था, और मेरा कलर कॉम्बिनेशन भी रेड और गोल्डन ही है, तो वो मैच कर गया और मैंने उसे लगा दिया। तो देखिए कितना प्यारा सा लुक आ रहा है,
लग रहा है कि हाँ कुछ है बना है। तो उस तरीके से हम लोगों ने सारा चीज़ बना लिया। अब बारी आती है झूले को टांगने की और इसकी जो डोर होती है ना खींचने वाली वो बनाने की। उसके लिए मैंने ये ऊन लिया था, ऊन भी रेड कलर का मेरे पास था, तो उसको मैंने बना करके और उसमें थोड़ी सी मोती हम लोगों ने लगा दी गोल्डन कलर की। रेड कलर का ऊन भी मिल गया, गोल्डन कलर की मोती भी मिल गई। तो उसको लगा करके हम लोगों ने एक लटकन बना लिया और उसको हम लोगों ने पीछे साइड से चिपकाने का सोचा ताकि खींचने के लिए ठीक हो। तो वो भी हो गया, खींचने वाला भी, डोर भी बन गया और सारी चीज़ें बन गई। तो अब बारी आती है झूले को टांगने की कि उसमें कैसे टांगा जाए। तो उसके लिए भी फिर हम लोगों ने लाया और ग्लू गन की हेल्प से, मैंने पहले सोचा था कि चलो रेड कलर का जो ऊन है उससे टांगूंगी, बट उससे कुछ अच्छा लुक नहीं आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने उसी लेस का यूज़ किया झूला टांगने के लिए। इतनी जद्दोजहद करने के बाद फाइनली मेरा झूला बन करके तैयार हो गया है। बस थोड़ी सी लटकन चिपकानी रह गई है, लास्ट काम, और वो भी कर ही लेते हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा झूला। बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम भी लगा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बना लिया। तो देखिए अभी खाली झूला है, बन करके तैयार हुआ है और सोचा मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ। और कान्हा बहुत एक्साइटेड हो रहा है झूला को झूलाने के लिए। मुझे तो बहुत प्यारा, बहुत क्यूट लगा ये झूला, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग भी चाहोगे ना ऐसा झूला बनाना तो ट्राई कर सकते हो, और कोशिश करोगे तो ज़रूर बन जाएगी। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बिल्कुल हार मत मानना और कोशिश करते रहना। ऐसा झूला बनाने की ज़रूर बनेगा। इस लॉकडाउन में अपने कान्हा जी के लिए हम लोगों ने घर पे झूला बनाया है और वो भी बहुत ही अच्छा बनाया है। अच्छा क्या, वो तो मैं कह रही हूँ, आप लोग बताओगे। तो चलो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, कान्हा जी के बर्थडे ब्लॉग के साथ। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।